Assignment 1.2. A physicist calculated the wall width of half brick wall thickness. The brick is laid in a flat position lengthwise called stretcher position. एस 13.6 प्लस माइनस 0.1. ये जो हाफ ब्रिक वॉल है इसकी डेफिनेशन ब्रैकेट में दी गई हुई है कि ये कैसी होती है, और ये तस्वीर से आप समझे कि यूँ हाफ ब्रिक वॉल इसकी चौड़ाई, चूँकि तारी बात है इस तरह स्ट्रेचर पोजीशन में लेड है तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, तो इसकी चौड़ाई उसने मेयर की 13.6 सेंटीमीटर और कहा कि अनसर्टेनिटी इसमें प्लस माइनस 0.1 की मिस्टेक हो सकती है। दूसरी उसने एक वॉल ली वन ब्रिक वॉल थिकनेस जो कि होती है ब्रिक प्लेस्ड इन फ्लैट पोजीशन लेथवाइज और ऑर्थोगोनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजीशन। ये जो ब्रैकेट में है ये सिर्फ इसकी डिटेल है कि वन ब्रिक वॉल होती क्या है। तो वन ब्रिक वॉल होती है जो पूरी इस तरह करके फ्लैट लगाई गई हो और ऑर्थोगोनल पोजीशन में, इसको सिंगल ब्रिक वॉल कहते हैं या हेडर बाउंड भी कहते हैं। इसमें जो उसने इसकी विड्थ मेजर की इस दीवार की वो थी 23.6 और कहा प्लस माइनस 0.1 इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। और अब मालूम हमने क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ वॉल्स विद अनसर्टेनिटी इट इन इट, यानी कि इसकी 23.6 है और इसमें से ये माइनस करनी है, लेकिन चूंकि अनसर्टेनिटीज़ भी हैं लिहाजा ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गिवन हमारे पास क्या है, आपने लिख लेना है विड्थ ऑफ हाफ ब्रिक वॉल जो पहली हाफ ब्रिक वॉल है 13.6 प्लस माइनस 0.1 और विड्थ ऑफ सेकेंड वॉल या फुल ब्रिक वॉल W2 इक्वल टू 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डिफरेंस हम लोग मालूम करना है इन विड्थ ऑफ वॉल जिसको हम लोग कह देते हैं डी। सोल्यूशन में आते हैं तो हम लोग पहले डिफरेंस इन विड्थ ऑफ वॉल डी इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल 2 माइनस विड्थ ऑफ वॉल 1 लिखेंगे क्योंकि विड्थ ऑफ वॉल 2 ज़्यादा है, और इनकी वैल्यूज़ अंदर पुट इन कर देंगे। अब आप देखें कि ये दो बेसिकली मेन वैल्यूज़ हैं तो इनका असल में डिफरेंस निकलना है 23.6 और 13.6 का। तो ये 23.6 में से 13.6 माइनस हो जाएगा, जबकि ये और ये जो हैं ये अनसर्टेनिटीज़ हैं। अनसर्टेनिटीज़ चाहे माइनस का सवाल हो या प्लस का सवाल हो हमेशा ऐड अप होती हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 23.6 माइनस 13.6 प्लस माइनस और अनसर्टेनिटी 0.1 प्लस 0.1 ये हो गई, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर।